हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता कुकिंग एंड ब्लॉगिंग। आज आपके साथ शेयर करेंगे कद्दू के हलवे की रेसिपी। यहाँ कद्दू है, ये हाफ के जी के अराउंड है। इसको मैंने पील कर लिया, इसका छिलका उतार दिया है। और यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, चीनी 7 से 8 टेबल चीनी। और अब हम कद्दू को कस लेंगे ग्रेटर की हेल्प से। यहाँ कद्दू मैंने कस लिया अच्छे से। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। आप थोड़ा कम घी भी डाल सकते हैं अगर आप इसको डाइट में ले रहे हैं तो। और चीनी की जगह आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, ये गुड़ में भी हलवा बन सकता है। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया कढ़ाई में और अब हम कद्दू डालेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम कद्दू को घी में ही भुनेंगे अच्छे से। कद्दू को यहाँ मैंने भून लिया है 5 से 7 मिनट के लिए घी में, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया अच्छे से। अब हम इसमें 1 ग्लास दूध ऐड करेंगे। और इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। यह मैंने इसे कवर कर दिया है हलवे को और इसको हम पकने देंगे। ये देखिए दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है। इसे हम दूध को पूरा अच्छे से जलाना है। तो अब हम इसे खुला ही पकाएंगे। ये हलवा बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है, विद इन 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में हलवा तैयार हो जाता है। यहाँ मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, ये 8 स्पून थी और ये परफेक्ट था। इसमें कद्दू भी थोड़ा हमारा मीठा होता है तो शुगर थोड़ा कम ही डालें, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी अपने हिसाब से ही डालें। दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है, इसको अभी हम थोड़ा सा और चलाएंगे। थोड़ा सा अभी इसमें दूध और है। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं। हमें यहाँ दूध को एकदम अच्छे से जला देना है, दूध इसमें ना रहे, एकदम ड्राई अच्छे से हो जाना चाहिए हमारा हलवा। ये देखिए अच्छे से जल गया है दूध और ये काफ़ी ड्राई भी हो गया है। अब यहाँ हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे हलवे में।
गैस ऑफ करेंगे और हलवा हमारा तैयार है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है हलवा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये हलवा ज़रूर बनाएं, उनको ये ज़रूर पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें हलवा, कद्दू का हलवा रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसको आप डाइट में भी ऐड करें अपनी, बहुत कम घी डाल करके, चीनी की जगह गुड़ यूज़ करके, और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होता है ये। ये देखिए, तो ट्राई करें मेरी रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।